नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। अदालत ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद जेपीएससी से पूछा कि गलत प्रश्न और गलत मॉडल उत्तर जारी करने पर उसका क्या जवाब है। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने जनवरी 2022 की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद जेपीएससी से पूछा है कि गलत प्रश्न और गलत मॉडल उत्तर जारी करने पर उसका क्या जवाब है। शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी के मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने अथवा प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल करने संबंधी आग्रह पर अदालत ने किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने जनवरी 2022 की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जेपीएससी ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की संयुक्त सेवा प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल आंसर जारी किया था। श्री जैन ने पीटी के रिजल्ट को निरस्त कर आयोग को संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उमेश कुमार वर्मा ने याचिका दायर कर पीटी रिजल्ट को निरस्त करने की मांग की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।